मैंने इसे अभी अभी इधर जाते हुए देखा है, शर्मा की बस की तरफ। एक बार उसको हमने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद तुम चाहे दिल्ली ले जाओ चाहे मुंबई, लड़की को कुछ पता नहीं चलने वाला। 7 साल की है ये बच्ची, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं बनारस से लापता है। जंगली अंकल। ये। प्लीज बच्ची को छोड़ दो, रुक जाओ वहीं पे, काट दूंगा इसको मैं। नहीं, बच्ची को कुछ नहीं करोगे तुम, तुम्हें पैसे चाहिए ना, कुछ भी दूंगा तुम्हें, बच्ची को छोड़ दो। लेकिन कृष्णा, 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 क्या हुआ? कृष्णा, 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 क्या हुआ? कृष्णा, कृष्णा, मम्मी, सागर, दरवाजा खोले जल्दी। मम्मी, सागर ये किसकी बच्ची को ले आया? तो मम्मी अभी कुछ समझाने का टाइम नहीं है, आप गंगा को फोन कीजिए और कहिए कि उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, ये पेन एंड पेपर देना जल्दी। मम्मी, और अब गंगा को फोन कीजिएगा, ठीक है? उसे कहिएगा कि बनारस और मुगलसराय के बीच में जो हाईवे NH2, उसमें सुंदरलाल हॉस्पिटल है, वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। मैं आपको उसका नंबर दे रहा हूँ, उसे कॉल कीजिएगा। ये लीजिए, वो PCO वहाँ पे, जल्दी कॉल कीजिए। मैं ड्राइव कर रहा हूँ वहाँ पे, मम्मी जल्दी आइएगा। हेलो हेलो बाबूजी, वो तुम्हारी बेटी सागर के साथ है, मेरा मतलब है हमारे साथ है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, बेहोश हो गई है वो। हेलो हेलो गंगा, गंगा क्या हुआ? गंगा, गंगा, माधवी क्या हुआ? वो गंगा की बेटी बीमार है, लकीली हम जिस चाय की दुकान में थे वो भी वही मिल गई हमें, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे लेके सुंदरलाल हॉस्पिटल जा रहे हैं। सुंदरलाल हॉस्पिटल? जी, आप गंगा को लेके जल्दी वहां जाइए। हाँ माधवी, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ, अब हॉस्पिटल मतलब कृष्णा की तबीयत ज्यादा खराब है। बाबू, हमारे कृष्णा को क्या हुआ होगा? प्लीज हमें जल्दी से उसके पास ले चलो बाबू, प्लीज। संभालो अपने आप को। गंगा, कृष्णा कहाँ है, किसके साथ है, ये हमें पता चल चुका है, अच्छी खबर है ना? बस थोड़ी देर की बात है, हम उस तक पहुँच जाएंगे। आराम से। बाबू, और कितना टाइम लगेगा? बस गंगा, पहुंचने वाले। भगवान पे भरोसा रखो गंगा, कुछ नहीं होगा कृष्णा को। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ कृष्णा को? कृष्णा, कृष्णा आगे खोलो, संभालो से। कृष्णा आगे खोलो, कृष्णा प्लीज आगे खोलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हुआ। आगे खोलो ना, हम अंदर लेके जाते हैं, कुछ नहीं होगा। कृष्णा आगे खोलो ना, चलो अंदर। कृष्णा आगे खोलो। डॉक्टर, सागर को यहाँ के लिए ना प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। कुछ नहीं होगा हमारी कृष्णा को, कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा गंगा, हम सब है ना, कुछ नहीं होगा। चलो 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 कृष्णा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल मत घबराना कृष्णा, हमें ना बिल्कुल मत डरना। बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए जल्दी। आप लोग इन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेके जाइए ना। हाँ ठीक है, हम वहीं चले जाएंगे, लेकिन आप डॉक्टर को बुला दीजिए। आपसे कहा ना इमरजेंसी वार्ड में लेके जाइए, वहीं डॉक्टर मिलेंगे। ये क्या तरीका है बात करने का? अब देख नहीं रही है बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस है, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है उसके लिए। मैंने और कुछ कहा? मैंने यही कहा कि डॉक्टर को बुला दीजिए। ये क्या तमीज है? सागर आराम से। लेकिन मैं जाकर देखता हूँ क्या है। डॉक्टर हमारी बेटी से पता नहीं क्या हो गया, प्लीज एग्जामिन करिए ना जल्दी से। डॉक्टर साहब पता नहीं कृष्णा अचानक से बेहोश हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। पर क्या हुआ है डॉक्टर साहब इसे? ये उठ क्यों नहीं रही है डॉक्टर साहब? यू प्लीज लेट मी चेक। बच्ची की उम्र क्या है? जी 7 साल। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ हफ्ते पहले इसके बर्थडे पर भी एकदम से ऐसे बेहोश हो गए। तो आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, क्या कहा उन्होंने? बहुत सारे टेस्ट करवाए थे और बोला कि कृष्णा के हार्ट में होल है, शी इज अ ब्लू बेबी। कोई फैमिली हिस्ट्री, आई मीन परिवार में कोई? जेनेटिक, कृष्णा के फादर के भी हार्ट में होल था। बच्ची को हमें ओटी ले जाना पड़ेगा। व्हाट बॉयज? ऑपरेशन थिएटर? क्यों डॉक्टर साहब क्या हुआ हमारी कृष्णा को? क्या वो बहुत ज्यादा सीरियस है? प्लीज बताइए ना हमें क्या हुआ डॉक्टर साहब इसको। डॉक्टर को अपना काम करने दो, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, बोला कि कृष्णा के हार्ट में होल है, शी इज अ ब्लू बेबी। कोई फैमिली हिस्ट्री, आई मीन परिवार में कोई? जेनेटिक, कृष्णा के फादर के भी हार्ट में होल था। वो तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, तुझे ठीक होना है ना, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन था वो? उसका नाम तो बता। हा? कोई तो था जिसकी निशानी तू ले आ खड़ी है, नाम बताना उसका, बताना मुझे। हाँ कोई, क्या करोगे जानकर? आप प्लीज अंदर नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब प्लीज, हम अपनी कृष्णा को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं ना। आप हमें समझने की कोशिश कीजिए, आप अंदर नहीं आ सकती, हमें आपकी बच्ची का तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? ग्लूकोज रेडी है? नर्स एनेस्थीसिया रेडी करो, जल्दी जल्दी। बस बस, कुछ नहीं होगा कृष्णा, बुरा मत सोचो। बच्चे को तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है सागर, और ना ही हम पे तरस खाने की कोई जरूरत है। इस दुनिया में हम अकेले भी जी लेंगे, और ऐसे इंसान के साथ हमें जिंदगी गुजारना मंजूर नहीं है जिसे हमारे चरित्र पे शक हो। अच्छा, तुमने हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाकर हमारे विश्वास को ही नहीं तोड़ा, बल्कि हमारे दिल में जो तुम्हारे लिए इज्जत थी ना, उसने भी खत्म कर दी है। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ऐसे पिता के साए में पले जो उसे शक की नजर से देखता हो। गंगा, मुझे कुछ पूछना है तुझसे। अभी नहीं सागर, देख रहे हो ना गंगा कितनी परेशान है। मैं भी बहुत परेशान हूँ पापा। मुझे जानना है इसने डॉक्टर से ये क्यों कहा कि कृष्णा को भी वही बीमारी थी जो उसके फादर को थी। बोल गंगा, क्यों? कृष्णा किसकी बेटी है? Who is the father? दिल में छेद होना कोई इतनी तो कॉमन प्रॉब्लम नहीं है जो तू चुप। बोल गंगा। अभी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही क्या सागर? जो बेकार के सवाल पूछ रहे हो गंगा से। वहां कृष्णा अपनी जिंदगी से लड़ रही है और तुम इसकी हालत देखकर अगर इसे दिलासा देना तुम्हारे बस में नहीं है तो कम से कम इसे परेशान तो मत करो प्लीज। I need to know, पापा। गंगा प्लीज बता मुझे, कृष्णा किसकी बेटी है? Who is the father, गंगा? बता मुझे। उसे नहीं जानते हो सागर, इसलिए सवाल का कोई मतलब नहीं। कि तू तो जानती है ना, तू तो जानती है ना, फिर प्रॉब्लम क्या मुझे बताने में? हाँ, मैं सिर्फ उसका नाम जानना चाहता हूँ। कृष्णा किसकी बेटी है, सिर्फ नाम जानना चाहता हूँ, प्लीज बता दे। हमें लगता था कि हम उसे जानते, लेकिन बाद में समझ आया कि हम गलत थे। हम उसे नहीं जानते। अब प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। प्लीज मुझे बता किसकी बेटी है वो? Who is the father? Please tell me, tell me। मेरा जानना बहुत जरूरी है गंगा, प्लीज प्लीज गंगा। बस सागर, कोई हक नहीं है तुम्हें इससे ये सवाल पूछने का। क्यों नहीं है पापा? जानना है मुझे। I need to know। गंगा प्लीज प्लीज मुझे बता कृष्णा किसकी बेटी है, प्लीज। टेल मी हिज नेम, टेल मी समथिंग प्लीज गंगा। एक्सक्यूज मी मैम, ऑपरेशन से पहले कुछ पेपर साइन करने हैं, आइए प्लीज। थैंक्स। तुमने कुछ लिया? कृष्णा से बहुत प्यार करता हूं मैं, सबकी लाडली, और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शी विल बी फाइन। ठीक हो जाएगी वो। बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं उसके साथ, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। सागर भी। इस घर से मैं अपने सारे नाते तोड़ता हूं। हाँ। अम्मा जी, जब से लल्ला भैया और बहू जी गए हैं आपने कुछ भी नहीं खाया, दूध तो पी लीजिए। मैं नहीं कर रहा महाराज जी, जब से लल्ला और बहू गए इस घर से कितना सुना सुना लग रहा है ना सब। जी अम्मा जी, कभी इस घर में कितनी चहल पहल और खुशियां हुआ करती थी, सब लोग एक साथ रहते थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई। सही कह रहे महाराज जी, सब तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया आंखों के सामने। पता नहीं कभी हंसी की गूंज सुनूंगी भी नहीं इस आंगन में। नहीं पीना, नहीं पीना दूध, मुझे नहीं पीना। अरे जूही रुको, अरे बाबा प्लीज दूध पी लो, आप तो गुड गर्ल हो ना। आपको जल्दी से बड़ा होना है कि नहीं, स्ट्रांग बनना है कि नहीं। जूही देखो प्लीज, ऐसे बड़ों की बात मानते हैं ना, तंग नहीं करते। जूही रुको, नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है। जूही प्लीज दूध पी लो, जूही तो गुड गर्ल है ना। नहीं पीना, दूध पिएगी ना। जूही रुको, स्ट्रांग बनना है ना आपको। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकते अम्मा जी, अगर वो कुछ हमारे से छीन लेते हैं तो उसके बदले में वो कुछ देते भी हैं। देखिए ना, जूही बिटिया भी तो उन्हीं की कृपा से इस घर में आई है। अब देखना, इसकी हंसी से हमारे घर में फिर से रौनक आएगी। जूही इधर आ, चलो दादी के पास जाएंगे। क्यों अपनी माँ को क्यों तंग कर रही है तू? मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। महाराज जी जब लल्ला छोटा था बिल्कुल ऐसे करता था, याद है जी? दूध के नाम से नाक से घुटता था, मिश्री मिलाने से छट से पी जाता था ये। मिर्ची मिर्ची वाला दूध मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है तो मैं भी दूध में अभी मिश्री डाल के लाती हूँ। मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। महाराज जी अगर लल्ला शादी के लिए मना नहीं करता तो आज उसकी भी एक इतनी छोटी सी। बाबू कब ऑपरेशन खत्म होगा, कितनी देर हो गई है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो गया है, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है। हमने उसके दिल के सुराग में स्टेंट इंसर्ट कर दिया है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हमने उसे रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप उनसे वार्ड नंबर 2 में जाके मिल सकती हैं। मिस्टर चतुर्वेदी, मुझे आपसे फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेशेंट की हालत देखते हुए हमें ये सर्जरी तुरंत करनी पड़ी, और आपको तो अंदाजा होगा ही कि ऐसी सर्जरी में कितना सारा खर्चा होता है, और ऑपरेशन होने के बाद देखभाल के लिए जो खर्चा होता है वो। आप खर्चे की फिक्र मत कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर साहब कितना कितना खर्च आएगा? एक मिनट, पापा डॉक्टर ट्रीटमेंट में कोई कमी मत रखिएगा। कृष्णा की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। नहीं कृष्णा हमारी बेटी है, उसकी माँ भी हमें और पिता भी, इसलिए उसके इलाज का खर्चा भी हम ही उठाएंगे, कोई और नहीं। हमारी कृष्णा अनाथ नहीं, हम जिंदा हैं अभी। लेकिन गंगा ये कृष्णा के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा सागर, आज तक अपनी कृष्णा को अकेले ही पालते आए हैं, आगे भी संभाल लेंगे। हमारी कृष्णा की जिंदगी किसी की दया की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब आप हमारी कृष्णा की अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट करिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करिए। हम एक एक पाई चुका देंगे, हम सब अरेंज कर लेंगे। जी गंगा आज भी वैसी ही है जैसे बरसों पहले थी। सागर, तुम कैसे भूल गए? गंगा का स्वाभिमान उसे कभी किसी से भीख या एहसान लेने नहीं देगा जिस पर उसका हक है, जो उसे मिलना चाहिए। गंगा हासिल करके रहेगी। And I'm so proud of her.